सरकार की जुबान भी, सरकार की मंशा भी वही बोले। क्रिकेट कौन खेल रहा भाई, बीसीसीआई में कौन बैठा हुआ है, नहीं पता है क्या हमको? यह संबित पात्रा को नहीं पता? उनको ये समझना होगा ना कि जिस दिन हमने अपने जवान खोए, एक 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खोया, उस दिन फूल वर्षा करवा रहे थे आप लोग, पुष्प वर्षा हो रही थी G20 के सफल होने की। आयोजन 2 दिन नहीं रुक सकता था। ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है, दोहरे चरित्र के साथ हिंदुस्तान सांस लेना भूल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आपकी मर्जी हो तो हवाई जहाज को अफगानिस्तान से लाहौर उतरा दे, इस्लामाबाद होता है, बिरयानी खाएं। आपके लोग बिजनेस कर रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और उनकी शहादत के वक्त में आप जश्न मना रहे हैं। ये विजुअल दर्ज हो गया। आप लाख कहन, वो कहते हैं ना शेक्सपियर का जो है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया शैल नॉट बी एबल टू स्वीट एट योर हैंड, दैट्स द रियलिटी। अपने सर की बात हो, लेकिन ये बातें जो बार बार आती है, फारूक अब्दुल्ला साहब का जिक्र है, सैफुद्दीन सोज का जिक्र है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इस मुतालिक आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं, पाकिस्तान से बात हो तो हमारी शर्तों पे हो, हमारी शर्तों पे। और बात ऐसा नहीं कि नहीं की है, हिंदुस्तान ने बात की है, कई दफा बात की है। बस लेके अटल जी गए थे, मैं तो कंधार वाले हाईजैक का जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं कि बीजेपी के वक्त में क्या क्या हो रहा था। फिर भी मेरा मानना है कि साफ तौर पे एक कमिटमेंट जब तक ना हो पाकिस्तान का कि टेरर लैब्स के लिए, कि डेसिमेशन के लिए मैं अपने यहां कोशिश करूंगा, मुकम्मल करके दिखाऊंगा, तब तक बातचीत मैं समझता हूं कि आधी अधूरी होगी, कोई बात नहीं हो पाएगी। कभी वो दौर था जब मैं सीधी सी बात कहता हूं, जब हम चुनाव में जाते हैं किसी भी देश में, मंदिर मस्जिद चर्च की साइज पे चुनाव नहीं होता है। इकॉनमी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? मेरी थाली, मेरे बच्चों का रोजगार, उसके बाद आती है महंगाई, इन्फ्लेशन। सरकार क्लूलेस है। आप कह रहे हैं विपक्ष चिंता नहीं कर, बाकी छोड़िए, हर मंच से विपक्ष ने बोला, मैं लगातार इस पर लिखता बोलता रहा हूं, मेरी पार्टी इसी को आधार बना करके हमने चुनाव लड़ा विधानसभा का और शिकस्त दी। इन्हें चिंता ये बात की है ना कि बीजेपी को लग गया है कि इन मुद्दों पर यह बहुत कमजोर है, तो वो क्या ढूंढते हैं? कभी जाति को रीढ़ जो हो दे उसको हटा करके सनातन पे विमर्श हो, क्यों हो भाई? हम तो आपको सनातन में भी कहेंगे कि सीवर में उतरने वाली जो जाति, जो डेथ हो रही है, किन जातियों की हो रही है, और प्रधानमंत्री जी को चिंता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना पे चुप क्यों है? प्रधानमंत्री जी हिरार्की जो समाज में सीढ़ी नुमा है उस पर क्यों चुप है? वो चाहते हैं कि बहस ऐसी होना कि जनता मुगालते में रहे। जनता जाग रही है, लोग सुबह उठते हैं, अपना पड़ोस देखते हैं, अपना घर देखते हैं, अपनी थाली देखते हैं, और जो ये नहीं देख पाता वो बीजेपी के लोग होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।